इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है और कोटा को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने वाला चंबल रिवर फ्रंट तैयार हो चुका है और जल्दी इसकी सौगात देश प्रदेश और दुनिया भर के पर्यटकों को मिलने जा रही है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का ड्रीम प्रोजेक्ट जमीन पर उतर गया है। सितंबर माह के पहले सप्ताह में इसकी सौगात मिलेगी और लगातार जिस तरह से हम इसके निर्माण की तमाम खबरें आप तक पहुंचा रहे थे, अब ये खूबसूरत तस्वीरें जो तैयार हो चुका रिवर फ्रंट उसकी भी पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत जोशी भी हैं जो लगातार नगर विकास न्यास के जरिए नगर विकास न्यास की के प्रचार प्रसार का काम देखते हैं और तमाम जो चीज़ें हैं उसको हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो है बेहद खूबसूरत, अब जल्दी ये देश और दुनिया के पर्यटकों को देखने को मिलेगा। सितंबर माह के पहले सप्ताह में ये सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूरी कैबिनेट यहाँ पर आ रही है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल इस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन कर रहे हैं कि कैसे ये जो उद्घाटन है उसको भव्य बनाया जाए। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ये पश्चिमी छोर है रिवर फ्रंट का और यहाँ पर जिस तरह से शुरुआत से ही लगातार आकर्षक जो चीजें तैयार की गई है, विश्व स्तरीय जो मॉन्यूमेंट्स लगाए गए हैं वो अपने आप में बेहतरीन नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको राजस्थान का कल्चर देखने को मिलेगा, शेखावटी की सभ्यता देखने को मिलेगी, ढूंढाड़ का यहाँ पर जो है लोक कला यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो तमाम जो चीजें हैं, हाड़ोती का कल्चर यहाँ पर नजर आएगा। इसके साथ साथ जो रेगिस्तान का इलाका है, जोधपुर और जैसलमेर वाला जो इलाका है वहाँ की भी जो यहाँ पर आपको देख पाएंगे इमारतें जो है बेहद खूबसूरत हवेलियों के साथ साथ तमाम जो चीज़ें हैं इस पूरे पश्चिमी छोर पर विकसित की गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये सिंह घाट है, सिंह घाट भी अपने आप में विराट लुक ले चुका है और जिसका आकर्षण देखते ही बन रहा है। उसके आगे की ओर बढ़ते हैं तो तमाम जो चीज़ें हैं उन सभी जो मॉन्यूमेंट्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं और जो इलाका है पूरा का पूरा जो पश्चिमी छोर है वो जो है बेहद खूबसूरत नज़र आने लगा है। तमाम जो यहाँ पर विकसित किए गए थे मॉन्यूमेंट्स वो अपना आकार ले चुके हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी यहाँ कायम किए जा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी घंटी भी यहाँ पर देखने को पर्यटकों को मिलेगी। इसके साथ साथ जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे बड़ा फेस मास्क भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। चंबल माता की मूर्ति अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्योंकि रिवर फ्रंट के प्रवेश द्वार पर ही चंबल माता की 42 मीटर ऊंची मूर्ति जो है वो नजर आएगी और कलश से पानी बहता हुआ जब पर्यटक देखेंगे तो रोमांचित हो जाएंगे। पूर्वी छोर की बात करें तो पूर्वी छोर के भी जो तमाम मॉन्यूमेंट्स और जो इमारतें हैं वो लगभग कंप्लीट हैं और इंतज़ार की घड़ियाँ जो है वो नज़दीक आ गई है। वर्ल्ड हेरिटेज घाट जो है जहाँ पर 9 देशों की तमाम जो खूबसूरत इमारतें हैं उनको विकसित किया गया है। इसके बाद जो साहित्य घाट है, हाड़ोती घाट है, रंगमंच घाट, ये जो तमाम घाट है वहाँ की तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से कितने खूबसूरत ये नज़ारे नज़र आ रहे हैं। कनक घाट अपने आप में कनक महल जो है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है वाटर पार्क भी विकसित किया गया है और इसी के पास में जो अगला घाट है वो हाड़ोती घाट है। हाड़ोती घाट में बेहद खूबसूरत छतरियाँ, सिंह घाट अपने आप में बेहद खूबसूरत, इसके साथ सिंह घाट की खूबसूरती लगातार पिछले कई दिनों से क्योंकि सिंह घाट जल्दी तैयार हो गया था हम लगातार इसकी खबरें भी आप तक पहुंचा रहे थे। इसके बाद का जो इलाका है जहां नयापुरा साइड से जो एंट्रेंस वाला इलाका है, बावड़ी, जो खूबसूरत बावड़ी है वो भी आप देख पा रहे होंगे किस तरह से बावड़ी की खूबसूरती नज़र आ रही है। तो इंतज़ार जो किया जा रहा था वो इंतज़ार की घड़ियाँ खत्म हो गई है। कोटा अब बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने जा रहा है, जिस तरह से जिस प्लानिंग के साथ इस प्रोजेक्ट को लाया गया था वो प्रोजेक्ट अब पूरा हो चुका है और जल्द ही कोटा वासियों को, देशवासियों को और दुनिया के पर्यटकों को ये बेहतरीन तोहफा मिलने जा रहा है। सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।